टीकाकरण की तैयारियां जोरों पर हैं। पहले चरण के टीकाकरण के प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है और इनके सुरक्षित संधारण के लिए अभी 530 कोल्ड चेन पॉइंट पहले से ही तैयार है और साथ ही 80 नए कोल्ड चेन पॉइंट के लगातार काम जारी हैं। राज्य वैक्सीन भंडार प्रभारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ठाकुर से स्वराज संवाददाता सत्या सिंह राजपूत ने खास बातचीत की। चले दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कोरोना वैक्सीन के लिए जगह निर्धारित किया गया है, क्या क्षमता है, क्या व्यवस्था है? नहीं, ये हमारा राज्य वैक्सीन भंडार है और राज्य वैक्सीन भंडार में हम नियमित टीकाकरण में भी पहले से ही हमारा सारा वैक्सीन रखने का कार्यक्रम पहले से ही संचालित है और उसी के अंतर्गत यहाँ पे हमारे पास एक डीप मतलब वॉकिंग फ्रीजर है और दो हमारे पास वॉकिंग कूलर है। तो वैक्सीन स्टोर जो है वो हर जिला में डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है जहाँ पे आई वाला डीप फ्रीजर होता है। कोल्ड चेन पॉइंट जो है वो हर पीएससी में सीएससी में होता है। तो हमारे सभी सीएससी में कोल्ड चेन पॉइंट है जहाँ पे हम आईएलआर और डीप फ्रीजर रखते हैं और पीएससी है जिसमें हमारे पास 792 पीएससी है। क्षमता क्या है पूरे राज्य में अगर हम बात करें वैक्सीन रखने की? हाँ, वैक्सीन रखने की जो टोटल क्षमता है वो हमारे पास पर्याप्त है। हमारे पास लगभग 1,05,000 लीटर से भी अधिक की क्षमता है और वर्तमान में जो हम नियमित टीकाकरण में केवल 25,000 की क्षमता तक ही उपयोग कर पाते हैं और बाकी हमारे पास लगभग 80,000 से 85,000 लीटर की क्षमता ऑलरेडी हमारे पास जगह है। उतना कोरोना वैक्सीन के लिए जगह निर्धारित है, जब वैक्सीन है यहाँ लाएंगे छत्तीसगढ़ में तो यहाँ रखा जाएगा या भंडारण किया जाएगा, क्या व्यवस्था है उसके लिए? तो कोरोना वैक्सीन अभी कौन सा वैक्सीन आएगा इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिला है, लेकिन जो भी वैक्सीन आएगा या 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में यदि उनको रखना है तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, सीएससी पर भी, पीएससी पर भी पर्याप्त जगह है जिसमें कि हम कोरोना वैक्सीन को रख सकते हैं। तभी आपने डॉक्टर ठाकुर को सुना जिनका साफ कहना है कि वैक्सीन की तैयारी पूरी कर ली गई है। मैं चोलाराम के साथ सत्य राजपूत स्वराज एक्सप्रेस।